मायावती का आशीर्वाद लेते ये हैं इमरान मसूद, जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ बीएसपी में शामिल हो गए हैं। इमरान के इस फैसले से जहां एक तरफ सपा को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं बीएसपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि बीएसपी सहारनपुर से इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतार सकती भी है। दरअसल इमरान मसूद का अपना जनाधार है और मुस्लिम वोटरों के बीच उनकी तगड़ी पैठ भी है। बताया ये भी जाता है कि बीएसपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश थी। ऐसे में इमरान मसूद के बीएसपी में आने से मायावती की तलाश भी खत्म हो गई है। वहीं इमरान मसूद भी बीएसपी में आने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। मैं हमारी नेता आदरणीय बहन जी के समक्ष आकर के मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता देने का काम किया। और जो प्रयोग विधानसभा में करने के लिए हम कांग्रेस छोड़ करके आए थे, वो प्रयोग पूरी तरह से विफल हुआ। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, चूँकि बहुजन समाज पार्टी का ही वोट बैंक ऐसा है जिसके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प भारतीय जनता पार्टी का बन सकते हैं। सपा का दामन छोड़ने के बाद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के खिलाफ न सिर्फ बोलते दिखे, बल्कि सपा को लेकर एक बड़ी बात तक बोल भी डाली। देखिए, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से वोट पड़ने का काम हुआ, हमने हमारे समाज ने एक तरफा वोट डालने का काम किया, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो आया, तो हमें ऐसा वोट चाहिए कि हम साथ मिल करके एक ताकत बनने का काम करें। और बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरे ऐसा मुझे नजर नहीं आता जहां हम लोग ताकत बन सकते हैं, जीत की तरफ जा सकते हैं। ये बात तो सच है कि इमरान मसूद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग रुतबा है और मुस्लिमों में अलग पैठ भी है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि इसका बीएसपी को कितना और कैसे फायदा होगा। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।